हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 3 बेस्ट पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन्स अंडर 30,000 रुपीज़। अगर आप भी इस बजट के अंडर अपने लिए एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इन स्मार्टफोन्स में आप तगड़े गेमिंग के साथ साथ और भी कई सारे चीज़ें बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल Frustech7 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। सो गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो स्मार्टफोन रखा है वो है वीवो की तरफ से iQOO Z5 5G। बात करें स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो स्मार्टफोन में हमें 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले मिल जाती है। साथ में गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिलता है। साथ में 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट भी मिल जाता है। एंड इसी के साथ डिस्प्ले में आपको 650 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। ओवरऑल बजट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, इस फोन में हमें क्वालकम स्नैपड्रैगन 778G 5G का चिपसेट देखने को मिलता है जो 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एंड इसी के साथ इस फोन में हमें एड्रेनो 642L का GPU मिल जाता है। ओवरऑल बजट के अकॉर्डिंग गेमिंग में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इसके अलावा इस फोन में हमें UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है। बात करें स्मार्टफोन के कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में, इस फोन के रियर में 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है और फ्रंट में 16MP का सिंगल सेल्फी कैमरा मिल जाता है। एंड अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, इस फोन के रियर कैमरा से आप मैक्सिमम 4K रेजोल्यूशन पे 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। एंड फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम फुल एचडी 1080p रेजोल्यूशन पे 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। इसी के साथ फ़ोन को जल्दी से चार्ज करने के लिए 44 वाट्स का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें इस डिवाइस की प्राइसिंग की तो 8GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला ये वेरिएंट आपको 23,990 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। वैसे बजट के अकॉर्डिंग इस फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। गेमिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। चलिए गाइस, बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की, वो है पोको की तरफ से लेटेस्ट स्मार्टफोन Poco F3 GT। बात करें इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इस फ़ोन में आपको 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलती है। इसके अलावा गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज का हाईएस्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है एंड साथ में 480 हर्ट्ज का हाई टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। ओवरऑल गेमिंग के पर्सपेक्टिव डिस्प्ले में आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। वहीं पर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो इस फ़ोन में हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का 5G का चिपसेट मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एंड इसी के साथ मैली G77 MC9 का GPU मिल जाता है। ओवरऑल इस फ़ोन के CPU एंड GPU दोनों की कॉम्बिनेशन में आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाती है। इसके अलावा इस फ़ोन में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है। इसके अलावा इस फ़ोन में आपको बहुत सारे डेडिकेटेड गेमिंग फंक्शनलिटीज़ मिल जाती हैं, जिससे इस फ़ोन को आप एक ट्रू गेमिंग स्मार्टफोन भी कह सकते हैं। बात करें इस फ़ोन के कैमरा डिपार्टमेंट की तो 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है एंड फ्रंट में 16MP का सिंगल सेल्फी कैमरा मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो इस फ़ोन के रियर में मैक्सिमम 4K रेजोल्यूशन पे 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे एंड फ्रंट में मैक्सिमम फुल एचडी 1080p रेजोल्यूशन पे 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की तो इस फ़ोन में हमें 5065mAh की मैसिव बैटरी मिल जाती है जो 67 वाट्स के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बात करते हैं इस फ़ोन की प्राइसिंग की तो 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला बेस वेरिएंट आपको 26,999 के प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल जाएगा। बजट के अकॉर्डिंग इस फ़ोन का डिज़ाइन गेमर्स को काफ़ी पसंद आने वाला है। अगर आपको पोको की तरफ से एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करना है तो आप बिल्कुल इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं।
चलिए गाइस बात करते हैं हमारे लिस्ट के नंबर वन गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में, वो है रियलमी का न्यूली लॉन्च लेटेस्ट स्मार्टफोन रियलमी GT Neo 2। बात करें स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इस फोन में हमें 6.62 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलती है, साथ में 120 हर्ट्ज का हाईएस्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है, गेमिंग के लिए 600 हर्ट्ज का हाईएस्ट टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग गेमिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो इस फ़ोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875G का लेटेस्ट पावरफुल गेमिंग चिपसेट मिल जाता है, जो 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, एंड इसी के साथ इस फ़ोन में हमें एड्रेनो 650 का GPU मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है। ओवरऑल इस फ़ोन में आपको CPU एंड GPU का काफ़ी बेस्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन में आपको कमाल की गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाली है। वहीं पर अगर हम बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की, तो इस फ़ोन के रियर में आपको 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, एंड फ्रंट में 16MP का सिंगल सेल्फी कैमरा मिलता है। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो इस फ़ोन के रियर कैमरा से आप मैक्सिमम 4K रेजोल्यूशन पे 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। इसी के साथ इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम फुल HD 1080p रेजोल्यूशन पे 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। बात करें इस फ़ोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, इस फ़ोन में हमें 5000mAh की मैसिव बैटरी मिल जाती है, जो 65W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं पर अगर हम बात करें प्राइस की, तो 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट आपको 29,999 के प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल जाता है। गाइस अगर आपको इस बजट सेगमेंट में रियलमी की तरफ से एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, तो आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। ओवरऑल सभी डिवाइसेस अपने अपने प्राइस के अकॉर्डिंग प्रॉमिसिंग स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। सो गाइस यही थे हमारे लिस्ट के टॉप 3 पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन्स अंडर 30,000 rupees। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इसी के साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप कौन सा स्मार्टफोन परचेस करने वाले हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इसी के साथ मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ।